दोस्तों टेक न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है और आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं उससे पहले बार बार एक्सक्यूज नहीं दूंगा, बस इतना ही कहूंगा आज की ये आखिरी टेक न्यूज़ है अलीगढ़ से और फिर मंडे से हम मुंबई चले जाएंगे तो प्रॉपरली टाइम से वीडियोस मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन कल मुझे पता नहीं आपको मेरी क्यू एंड ए मिलेगी नहीं मिलेगी, तो वो शायद से आपको नेक्स्ट संडे मिल जाएगी। आई एम रियली सॉरी गाइस, अफसोस हो रहा है क्योंकि मेरी फैमिली यहां पर भी है तो आप भी मेरी फैमिली है और मुझे अगर कुछ चीज में मिस करते तो आप लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लगता है यार मेरा दिन कंप्लीट नहीं होता है। यही मेरा प्यार है क्योंकि आप जो सपोर्ट और प्यार देते हैं और जो मोटिवेशन मुझे आता है ना, यही एक चीज है जिससे मैं काम करता हूं। एनीवेज दोस्तों आज बहुत ही गर्मा गर्म टेक न्यूज़ लेके आ गया हूं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना। देखो ये Z1 Pro भी ऐसी पड़ा हुआ है यहां पर, इसके ऊपर भी काम करना बाकी है और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। तो पहली खबर की बात करें तो शुरुआत करते हैं यहां पर LG से और दोस्तों फाइनली LG का W सीरीज वाला स्मार्टफोन इंडिया के अंदर 26 जून को जो वो लॉन्च होने वाला है ऑफिशियली यहां पर कंफर्मड हो चुका है LG की तरफ से। फोन मेरे पास आ चुका है, यहां नहीं मुंबई में पड़ा हुआ है और मैं जाके अनबॉक्सिंग करूंगा और 26 तारीख को आपको इसकी वीडियो दे दूंगा। अब देखते हैं दोस्तों, बहुत बात तो LG ने कर दी है। ट्रिपल कैमरा है, ग्रेडियंट बैक है, वाटर ड्रॉप डिस्प्ले है और हीलियो P60 जैसा प्रोसेसर होगा और प्राइस भी बहुत ही बजट फ्रेंडली होगी। देखते हैं क्या होता है, 26 तारीख को मैं आप लोगों को इसके बारे में और भी जानकारी दे दूंगा। तो यहां पर दोस्तों OnePlus की तरफ से वैसे काफी अच्छी खबर आ रही है और फिलहाल के लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग लग रहा है क्योंकि यहां पर अकॉर्डिंग टू ईशन अग्रवाल हमारे इंडियन जो टिप्स्टर है उन्होंने यहां पर ट्वीट करके ऐसा बताया कि बहुत ही जल्दी OnePlus इंडिया के अंदर अपना एक नया स्मार्ट टीवी जो वो लॉन्च करने वाला है। जी हां, अचानक से मतलब एक हफ्ते के अंदर या दो हफ्ते के अंदर आ सकता है OnePlus का स्मार्ट टीवी। और उन्होंने यहां पर ऐसा भी हिंट दिया है कि भाई इसमें शायद OLED वाली डिस्प्ले नहीं होगी, उसके अलावा फिर आपको कोई दूसरी डिस्प्ले मिलेगी तो मतलब इसमें प्राइस भी आपको थोड़ी कम यहां पर पे करनी पड़ सकती है। उसके अलावा जो इंटरफेस होगा, ऐसा रूमर्स है कि इसमें आपको ऑक्सीजन OS वाला देखने को मिल सकता है जो स्पेसिफिकली वो स्मार्ट टीवी के लिए ही बनाया जाएगा और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन OnePlus का स्मार्ट टीवी, हालांकि OnePlus ने भी पहले बताया था कि हम बहुत ही जल्दी एक स्मार्ट टीवी लॉन्च करेंगे, लेकिन वो इंडिया में भी शायद से दो हफ्ते के अंदर आ सकता है। क्या आप यहां पर OnePlus के स्मार्ट टीवी के लिए एक्साइटेड है? वैसे देखना चाहता हूं कि इसकी प्राइस क्या होगी, फीचर्स क्या होगा, कुछ ही टाइम में पता चलेगा, मैं आप लोग उसके बारे में जरूर से बता दूंगा। तो यहां पर दोस्तों पोको F1 अगर आपको अभी भी परचेस करना है तो उसका जो बेस वेरिएंट है 664, इसके ऊपर अभी प्राइस कट हो चुका है और 17,999 यानी कि 18,000 रुपीस में आपको ये मिल रहा है जो पहले कुछ 20,000 का था। तो फिलहाल के लिए ये कब तक चलेगा ये तो नहीं पता, लेकिन हां लंबे टाइम तक ये प्राइस कट हुआ है तो बेस वेरिएंट अभी आपको सिर्फ 18,000 के अंदर मिलेगा 664 वाला। इमेजिन करिए 18,000 रुपए में स्नैपड्रैगन 845, कितनी बड़ी बात है ना। जाइए और जल्दी से अगर आपको लगता है तो परचेस कर लीजिए। तो अब दोस्तों सैमसंग की तरफ से खबर आ रही है और अगर आपको टैबलेट्स इस्तेमाल करना पसंद है आईपैड के अलावा तो सैमसंग ही एक ऐसी कंपनी जो बहुत ही कड़ी टक्कर देती है, फिर लिनोवो वगैरह भी आती है और इनका मार्केट शेयर भी टैबलेट के उसमें भी काफी ज्यादा है। अभी सैमसंग इंडिया में 3 टैबलेट्स लॉन्च करेगा बहुत ही जल्दी। जो पहला होगा वो टैब S5e होगा जो अभी उन्होंने अप्रैल में MWC में अनाउंस किया था जो कुछ 35-40 हज़ार के ऊपर जाएगा। उसके बाद होगा टैब A10.1 जो कुछ 15-20 हज़ार के बीच में होगा और उसके बाद होगा टैब A8 जो आपको 10,000 के आसपास मिलेगा। तो अलग अलग प्राइस रेंज में वो लोग अपने नए टैबलेट्स को लॉन्च कर रहे थे। देखते हैं यहां पर आता है क्या कुछ खास होता है, मैं आप लोगों को जरूर से इसके बारे में बता दूंगा। और यहां पर दोस्तों साथ में सैमसंग का जो गैलेक्सी M30 है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इसमें एक नया वेरिएंट आपको देखने को मिल सकता है तो वैसे ही हो रहा है और अभी सैमसंग गैलेक्सी M30S करके एक नया स्मार्टफोन Geekbench पर रिलीज हुआ है जहां पर इसमें से बता दे रहे कि आप लोगों को Exynos 9610 वाला प्रोसेसर मिलेगा जबकि M30 में आपको Exynos 7904 वाला था। तो उन्होंने हार्डवेयर में यहां पर इंप्रूवमेंट करी है। इसमें वैसे आपको 4GB की रैम भी दिख रही है, उसके अलावा आपको यहां पर Android 9 Pie मिलेगा जो कि One UI पर बेस्ड होगा, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। तो देखते हैं दोस्तों M30 का सक्सेसर M30S क्या प्राइस में आता है, उसके अलावा क्या कुछ खास होता है, बहुत ही जल्दी आएगा, मैं आप लोगों को जरूर से इसके बारे में बता दूंगा। तो यहां पर दोस्तों YouTube की तरफ से खबर आ रही है और YouTube यहां पर अपने YouTube ऐप के अंदर एक नए फीचर को जो वो ऐड करने वाला है और फिलहाल के लिए यहां पर ये फेस मोड के अंदर है और एंड्रॉइड के अंदर यहां पर अभी उन्होंने जो वो शुरू किया है और iOS में बाद में आ जाएगा। अब यहां पर क्या होगा दोस्तों कि जब भी आप कोई वीडियो देखते तो उसके नीचे ही बराबर आप लोग को लाइक डिसलाइक और शेयर वाला ऑप्शन मिलता है और फिर थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते तो आपको अलग से कमेंट सेक्शन यहां पर देखने को मिलता है। लेकिन अभी YouTube क्या कर रहा है कि लाइक डिसलाइक शेयर के बाजू में ही एक कमेंट का यहां पर ऑप्शन ऐड करेगा। अगर आप उस पर टैप करेंगे तो ही आपके सामने कमेंट जो वो शो होगा, नॉर्मली अगर आप उसको नहीं टैप करेंगे तो आपको नीचे यहां पर कमेंट नहीं दिखाई देगा। जी हां, तो टैप करने के बाद ही आपको कमेंट शो होगा। अब ये कुछ कमेंट को हाइड कर रहा है और इसका भी शायद एक रीजन हो सकता है। वैसे ये आपको भी बहुत ही जल्दी आपके एंड्रॉइड में देखने को मिल जाएगा। पहले मैं अपना चेक कर लेता हूं, एक मिनट ना, फिर आपका पूछता हूं।
नहीं नहीं ठीक है ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एक रिसर्च निकल कर आई है बायो मैकेनिक्स की, जहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि ज्यादातर यंगस्टर्स के अंदर अभी एक नई तरीके की बीमारी निकल कर आई है, जहां पर सर के पीछे ना सींग निकल कर आती है, जिसको हम इंग्लिश में हॉर्न भी बोलते हैं। अब यहां पर एक्सरेज भी निकल कर आए, काफी सारे लोगों के अंदर ये बीमारी आ रही है, जहां पर क्या होता है कि ये जो बीमारी है ना ये हमारे स्मार्टफोन से आ रही है, क्योंकि ज्यादातर अभी स्मार्टफोन हमारी जिंदगी में घुस चुका है, मतलब स्मार्टफोन तो चाहिए ही चाहिए। अब हम यहां पर जब स्मार्टफोन यूज करते तो हम ऐसे तो करते नहीं है, हम ज्यादातर ऐसे ही करते हैं, ऐसे तो सिर्फ रात में करते हैं, लेकिन कभी कभी दिन भर तो ऐसे ही करते हैं। मुंडी बार बार नीचे रखने से यहां पर एक तरीके का जो वो हड्डी जो बोन्स है हमारी वो बाहर निकल कर आती है, और वो उसको हम बोलते हैं सींग या फिर हॉर्न्स, इस तरीके की बीमारी निकल कर आ रही है। वैसे आप भी जाइए हाथ मार के देख लीजिए पहले ऐसा कि कुछ सूजा तो नहीं है, अगर होगा तो आपको डॉक्टर को जाकर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इससे सीवियर हेडेक और बहुत कुछ यहां पर हो सकता है। तो ये बायो मैकेनिक्स की स्टडीज निकल कर आई, जिसने मुझे हैरान में डाल दिया, तो मैं सुबह से यही कर रहा था, आप मत करना, आप अपना काम करना। तो मैं दोस्तों गूगल की तरफ से खबर आ रही है, और गूगल ना फिर से एक बार खतरे में आ चुका है, और इस बार यूरोप की बात नहीं हो रही, क्योंकि यूरोप पे तो काफी फाइन पड़ चुका है, इस बार बात हो रही है हमारे देश की, हमारे इंडिया में सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल से क्लैरिफिकेशन मांगा है, रिपोर्ट मांगा है कि भाई जो आप यूरोप में करते थे कंपनीज के साथ में, उन पर दबाव डालते थे या जो भी कुछ करते थे, क्या वही चीज आप इंडिया में भी करते हैं, आप इसके बारे में हमें खुल के बताइएगा। और उन्होंने यहां पर सीसीआई ने सैमसंग शाओमी वगैरह की कंपनीज को लेटर भेजा है, और पिछले 8 साल की रिपोर्ट मांगा है कि आपका व्यवहार और गूगल का व्यवहार आपके साथ पिछले 8 साल में कैसा था, क्या तरीके का काम यहां पर आपने गूगल ने आपके साथ में यहां पर किया था, पूरी डिटेल्स मांगा है। अगर गूगल टर्म्स एंड कंडीशंस को वॉयलेट करता है तो शायद से इंडिया में भी गूगल को फाइन पड़ सकता है, ऐसी यहां पर बात निकल कर आ रही है। वैसे आपको क्या लगता है, फाइन पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, कमेंट्स के अंदर खुल के आप बता सकते हैं। तो दोस्तों शाओमी की तरफ से वैसे काफी बुरी खबर आ रही है, और ये बुरी खबर उन लोगों के लिए जो शाओमी के मी मैक्स सीरीज के फैन थे, मतलब मी मैक्स के जो फोन्स आते थे वो बहुत ही बड़े स्क्रीन के होते थे, और मैं भी पर्सनली यूज करता था, मुझे भी अच्छा लगता था। अभी आखिरी जो फोन था वो मी मैक्स 3 था, और वैसे ये भी हमें इंडिया में नहीं मिला था। अब शाओमी के सीईओ ली जुन ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि हम मी मैक्स सीरीज को किल्ड कर रहे हैं, फ्यूचर में आपको कोई भी मी मैक्स सीरीज का फोन नहीं मिलेगा, और मी नोट भी, मतलब रेडमी नोट नहीं, मी नोट जो सिर्फ चाइना में था उसको भी वो लोग यहां पर किल कर रहे हैं। उसके अलावा यहां पर उन्होंने कहा कि मी 9 की सीरीज के फोन आएंगे, मी मिक्स के आएंगे, और शाओमी सीसी जो चाइना में यहां पर आपको लेटेस्ट मिल रही है, ये टाइप के फोन आपको मिलेंगे, लेकिन मी मैक्स को वो लोग यहां पर किल कर रहे हैं, तो हमें इंडिया में भी देखने को नहीं मिलेगा। वैसे आपका इसका क्या ख्याल है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्या आपको यहां पर पता है कि वर्ल्ड का जो सबसे पहला स्मार्टफोन था जो यूएसबी टाइप सी पोर्ट के साथ में आया था, वो 2015 के अंदर आया था, और वो था LTV 1 Max। जी हां, तो आज की न्यूज़ में खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज आता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।